हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। सरस्वती बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जो आगामी सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है उसके लिए आयोग ने दिशा निर्देश में कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जिसे आपको जरूर देख लेना चाहिए ताकि आपको परीक्षा केंद्र पर कोई परेशानी ना हो। पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले आपको एक घंटे पहले पहुँचना होता था, अब उसका समय बढ़ाकर 1.5 घंटे कर दिया गया है कि आप 1.5 घंटे पूर्व 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम उन्होंने रखी है। इसके बाद पहले होता था कि 12 बजे तक आपको एंट्री मिलती थी, मतलब 12 बजे से पहले आप पहुंच जाते थे तो एंट्री मिल जाती थी। इस बार इन्होंने उसे 15 मिनट घटा दिया, यानी कि 11:45 के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी किसी भी स्थिति में। तो इस बात को आप मार्क कर लें कि आप सेंटर पर पहले पहुँचे, समय से पहुँचे। दूसरी जो गाइडलाइन है वो सेम है जो पिछली बार जारी की गई थी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, रिस्ट वॉच, इसमें देखो क्या किया गया। पिछली बार इन्होंने लिखा था कि आप नॉर्मल जो घड़ी है वो ले जा सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस बार चेंजेस किया फिर इन्होंने कि आप सामान्य घड़ी भी नहीं ले जा सकते हैं। सारे केंद्रों पर CS यानी केंद्र अधीक्षक को निर्देश है कि वो दीवार घड़ी लगाएं और दीवार घड़ी सही हालत में होनी चाहिए, चलते हालत में। बहुत सारे सेंटर्स पर इस बार शिकायत आई थी कि घड़ी तो लगी हुई थी लेकिन वो सही से चल नहीं रही थी। तो इसलिए जो दिशा निर्देश है आप देखोगे कि दोनों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और केंद्र अधीक्षकों के लिए भी है। इसके बाद 3 और 4 जो गाइडलाइन है वो भी, उसमें भी कोई नई बात नहीं है, वो जो पुरानी गाइडलाइंस में जो चीज़ें होती हैं वही सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ 67 बीपीएससी में हुई है वो आपके साथ ना हो सीडीपीओ के परीक्षा में, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। अगर आपके केंद्र पे 11:50 तक आपके क्लासरूम में OMR सीट नहीं मिलता है तो आप ज़रूर कोशिश हो जाएं। अगर आपको जो इन्वेजिलेटर हैं अगर संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं तो सीधा CS यानी केंद्र अधीक्षक के पास जाएँ और उनसे पूछे कि अभी तक क्यों OMR सीट क्लास तक नहीं पहुंची है, क्योंकि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत जगह ऐसी खबरें आई कि 12:30 12:40 पर परीक्षा शुरू हुई और 2:40 तक परीक्षा रही। तो वैसे में हमेशा ऐसी संभावना बनी रहेगी कि चूंकि परीक्षा 40 मिनट वैसे समय में हो रही है जब परीक्षा जो प्रश्न पत्र है वो आउट हो चुका है, तो उसमें भी तरह तरह के विवाद उत्पन्न होंगे। तो आप कोशिश करें कि किसी भी तरीके से परीक्षा 12 बजे से शुरू हो, अगर नहीं शुरू होती है तो सीधा आप CS से जाकर सवाल करें, समूह में छात्र जाएं। क्योंकि देखो अगर परीक्षा कैंसिल होती है तो CS का क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, उनकी तो एक दिन की और ड्यूटी बढ़ जाएगी। जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, गवर्नमेंट जितने भी इस तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें 500 से 1000 एग्ज़ाम के रेमुनरेशन उन्हें अलग से मिलते हैं, उन्हें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क किसको पड़ेगा, फ़र्क आपको पड़ेगा, आपने जितना समय तैयारी में लगाया है वो बर्बाद होगा, आपके ट्रैवल के एक्सपेंसेस बर्बाद होंगे, आपके लॉजिंग के एक्सपेंसेस बर्बाद होंगे। तो आप भी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहिए और अगर परीक्षा में कोई भी धांधली या इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं तो तुरंत उसको सामने लाने की कोशिश करें। धन्यवाद। और 67 बीपीएससी जो पेपर हुआ है उसके आंसर की हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, एक बार उसे ज़रूर देख लें। इससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि 2022 के जो करंट अफेयर्स है उस पर बहुत मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं बीपीएससी में, और जब बीपीएससी में नहीं पूछे गए हैं तो बहुत कम संभावना है कि इस बार पूछे जाएंगे CDPO में। और CDPO में मान लो कि पूछ भी लिए जाते हैं तो चूंकि अभी आप बीपीएससी की तैयारी कर के आए हो तो आपको बहुत सारे वो वाले फैक्ट्स याद रहेंगे। तो ज़्यादा आप फोकस पॉलिटी वाले सेक्शन पे करें, साइंस पे करें और इकोनॉमी पे करें, 3 सेक्शंस पे अच्छे से फोकस करें। धन्यवाद।